हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। तो आज हम कुछ गेम्स खेलते हैं। तो ये मेरा गेम है क्लैश रॉयल, मैं इसको बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन में हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और मेरा ट्रॉफीज़ है अभी 2441। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे जंगल अरीना में जाने को मिल जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर जाना। मैं बहुत ट्राई किया लेकिन मेरा 2500 तक हो पाया, उसके बाद नहीं हो पाया। तो मैं फिर से ट्राई करूँगा। आज मैं आपके लिए कुछ लाइव गेम प्ले करूँगा, तो चलिए देखते हैं। और ये है मेरा डेक, आप देख सकते हैं। इधर लाइटनिंग है, इधर है आपका मस्किटो एंड आपका इन्फर्नो एंड आपका फायर स्प्रेड। ये डेक बहुत ही सही है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर कई लोग इसको खेलते हैं तो आपको बहुत पसंद है गेम, तो इस डेक को ज़रूर ट्राई कराएं। इसका एवरेज एलिक्सर कॉस्ट है 3.4, जो कि बहुत ही कम है, और आप इसे बहुत ही अच्छे से गेम खेल सकते हैं। और आज अब मेरा टेक्निक देखिए कि किस तरह से मैं इस गेम को खेलूँगा, तो आप वही रिपीट करने की ट्राई कीजिए। होपफुली मुझे लगता है आपको बहुत ही हेल्प होगी इस वीडियो से। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे क्लैन में अभी तक क्लैन चेस्ट वॉर चल रहा है, जिसमें लेवल 6 का चेस्ट अब तक हमको मिल चुका है। ये मैं डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये बहुत कम है, 47 है आउट ऑफ 100। सो मुझे भी इसको अपग्रेड करना है, सो मैं इसको डोनेट नहीं करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कार्ड के लिए। चलिए अभी मुझको चाहिए फ़िलहाल में मस्किटेस। जी हाँ, ये हो चुका है। चलिए अब खेलते हैं हम कुछ लाइव बैटल्स। तो चलिए चलते हैं। लेवल 8 का प्लेयर आया है, देखते हैं क्या होता है। ओहो, स्केलेटन। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको, हमारे पास इन्फर्नो टावर है, हम इसको आसानी से हरा देंगे। अच्छा, तो उसने ये छोड़ा है, तो अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। हमें इसको यहाँ पर आर्मी छोड़नी है और हमें इसको मारना है, नहीं तो ये मेरे इन्फर्नो को मार देगा। ओहो, लगता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या किया जाए, क्या किया जाए। जैप, नो। दोस्तों मेरा पहला वीडियो में ही मैं हार जाऊंगा मुझे लगता है। चलिए फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे जीतने के लिए। जी देखिए, मेरे पास उस टाइम पे जैप नहीं था, तो उस टाइम पे उसने अपना स्केलेटन आर्मी डाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। यही होता है इस गेम में। अब कभी कभी तो बहुत सारा गेम जीतेंगे और कभी कभी आप हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि मेरा टावर गया ये, और फिर मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या होता है। अपना विज़र्ड छोड़ता हूँ और उसके पीछे मस्किटर। अरे बार-बार क्यों छोड़ देता है इसके। अभी मुझे इधर अपना वो छोड़ना होगा, इन्फर्नो टावर, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ पूरा। ये मैंने छोड़ा अपना इन्फर्नो टावर। चलिए देखते हैं। बाप रे बाप, ये दूसरा टावर भी गया, बहुत ही अच्छा। मैं इतना घटिया बैटल में अभी तक नहीं किया हूँ, देखिए वो इतना हंस रहा है। ओह माय गॉड। चलिए मैं अपना हॉग राइडर छोड़ देता हूँ और उसके लिए मैं अपना विजर छोड़ देता हूँ इनको मारने के लिए, देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ही घटिया बैटल है, मुझे नहीं पता, शायद मैं आज ऑनलाइन हूँ इसी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर सच में मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है, इतना घटिया बैटल में कभी भी नहीं खेला हूँ। लेकिन एक टावर तो हमने ले लिया, यस। अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी हम देखेंगे। लेकिन टाइम बहुत ही कम बचा है, अगर हम दूसरा टावर भी नहीं तोड़ा तो हम लोग गए काम से। मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ और मैं जैप से इसका इनको मार देता हूँ और मैं इसको छोड़ देता हूँ उधर। मुझे अपना रिजल्ट को छोड़ना है जी। मुझे लगता है कि मेरे हाथ से गया, मैं हार गया, ये बहुत ही बुरा हुआ। कोई बात नहीं, हम एक और ट्राई करेंगे, एटलीस्ट मेरे को एक क्राउन तो मिल गया। चलो मेरा ट्रॉफी कम हो गया फिर से, 2414 हो गया। चलो वन मोर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
इसमें मैं हॉग और जैप को यूज़ करूँगा, जैप को पीछे से डालूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर वो स्केलेटन आर्मी छोड़ता है तो मैं उसको उड़ा देता हूँ। चलिए, उसने नहीं छोड़ा, लेकिन चार स्केलेटन छोड़ा, जो कि ठीक है। देखिए कितना डैमेज किया मैं उसको इस बार। अभी मैं इसको भी उड़ाता हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है मेरे हिसाब से। इसको कैसे, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ओह, बहुत ही अच्छा डैमेज किया इसने भी। इस बार लगता है ये टावर जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। यस, वन टावर डाउन। अभी हम अटैक करेंगे किंग टावर को। नहीं, मैं अपना इन्फर्नो टावर यूज़ करता हूँ, और इन्फर्नो टावर के बाद अभी देखते हैं क्या होता है। इस वक्त कौन जीतता है, चलिए देखते हैं। मुझे लगता है मैं छोटे टावर पर ही अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये वाला टावर तो तोड़ देगा। हो गया। देखिए वो हंस रहा था, उसे लगा था कि वो टूट जाएगा, लेकिन वो अभी भी बाकी है 1%। लेकिन उसने वो डाल दिया एरोज। चलिए देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। हमारा डैमेज बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है कि हम आसानी से जीत जाएंगे इस बार। चलिए देखते हैं, अभी मैं डालता हूँ अपना स्पेल स्पीड बढ़ाने के लिए। और भाई वो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, वीडियो बोला मैंने तो, मेरा पहला, ये दूसरा वीडियो है। और अगर आपसे, मेरे से कुछ गलती हो जाए बोलने में, तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत वीडियो बनाता रहा करूँगा, ये पहला वीडियो नहीं है, मैं ऐसा बहुत वीडियो बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे आपसे उम्मीद है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए मुझे लगता है ये बैटल एंड हो गया और मैं जीत गया। यस, तो मैंने बोला था आपको कि ये डेक बहुत ही बढ़िया है, अगर आप थोड़ा अच्छे से खेलें, आप टेक्निक यूज़ करें। तो सच बात बोल रहा हूँ, इस डेक को आप ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा डेक 3.4 एलिक्सर का, बहुत ही जल्दी बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस डेक को, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करें, और लाइक करें। थैंक यू।